इनको माइक दे दो, आप इनके साथ आए? नहीं सर, हम अकेले। ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे फिर? सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। शुक्रिया सर, धन्यवाद। अयोध्या जी से आया हूँ। अच्छा वाह, अयोध्या से। और एक मैंने गाना आपके ऊपर बनाया है। अच्छा जी, आपका खुद का लिखा हुआ? जी मेरा लिखा हुआ। अच्छा जी, और कंपोज भी आपने किया? जी जी। वाह, हाँ जी सर सुनाइए प्लीज। अरे जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, जकरे पीछे देखा कितनो नौजवान भागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता, अब तो बूढ़िया भी ब्यूटीफुल जवान लागता। कपिल कपिल शर्मा जी पूरे देश को हंसाते हैं, पर अर्चना जी से आप मीठी डांट खाते हैं, और इनका देख के डर लागे ये पहलवान लागता, जवान लागता, बुढ़िया जवान लागता। वाह वाह वाह, क्या बात है, बड़ी मजेदार लाइनें लिखी आपने। थैंक यू सर, बहुत अच्छा गाया आपने, शुक्रिया, धन्यवाद, बैठिए जी। और कोई हमारे मेहमान दोस्त जो अपने विचार पेश करना चाहते हैं? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, हाउ आर यू? हाय कपिल सर, जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की लाइफ में कोई इंसान है उसका लकी चार्म हो जी। किसी की लाइफ में कोई पेट भी होता है उसका लकी चार्म। बिल्कुल। अच्छा। तो मेरी लाइफ में मेरा लकी चार्म एक पड़ोसी का पेट है, एक डॉगी। अच्छा। है उसका नाम स्कूबी है। अच्छा। तो जब भी मैं फैक्ट्री से निकलता हूँ तो बाई चांस मेरे को दिख जाता है तो मेरा काम बन जाता है, मेरा हौजरी का काम है। तो दो तीन बार ऐसा हुआ कि मैं निकला तो मेरे को दिखा नहीं वो, तो मेरी पेमेंट मेरे को मिली नहीं। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहाँ है यार तेरे को मिलना है, अब किसी बहाने से जाना था उसकी फैक्ट्री, उसको बताना तो है नहीं कि मैं तेरे डॉगी को देखने जा रहा हूँ। अच्छा। तो कहता क्या काम है? मैं कहने ये चाय पीनी तेरे साथ। कहता आ जा। मैं गया देखने उसको, चलो देखा डॉगी को भी देख लिया, मैं निकल गया पेमेंट लेने फिर से मार्केट, तो मेरे को मेरी पुरानी रुकी हुई पेमेंट भी मिल गई। ये सही है, बड़ी क्यूट स्टोरी सुनाई आपने। कहाँ से आए आप? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा जी, लुधियाना हौजरी का बड़ा काम है एक्चुअली। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो कृष्णा मैम। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, हाउ आर यू सर? गुड सर। सर मेरे लकी चार्म माय सिस्टर है, ये मेरे साथ में बैठी हैं। हाय, हेलो। आज जो मैं बना हूँ, जो जो भी हूँ, मैं सब इनकी वजह से हूँ। क्या बात। मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद मैं MBA की तैयारी कर रहा था, पर मेरे बिना पता है या बिना वो कि इन्होंने मेरे मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशन के लिए मेरा इन्होंने फॉर्म भर दिया। अच्छा जी। अब उसमें सबसे बड़ा कमाल ये कि ये क्या फॉर्म जो भरा उसमें साइन भी इन्होंने किया। ओहो, अच्छा। अच्छा। अब ये ऐसा है कि ये लेफ्ट हैंड से अगर करे चाहें तो मेरा साइन कर लेती है। अच्छा। राइट से अपना करती है, लेफ्ट से मेरा कर लेती है। वाओ। यहाँ तक कि दो बार चेक पे किया और चेक भी बाउंस नहीं हुआ, दोनों पास हो गए। अच्छी बात है, इतना प्यार है आपका। आपकी शादी हो गई? यस सर, बैठी है वहाँ पर। अच्छा, क्या हाल है मैम? इनको पता है कि आपकी चेकबुक पे साइन कर देती है सिस्टर? मालूम है सर। अच्छा, फिर भी कोई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं। देवता फैमिली है आपकी। मैं और दीदी शॉपिंग के लिए साथ में जाते हैं। अच्छा, आप और दीदी साथ में? तो भाई साहब बात मेरे समझ में आ गई। क्या? ये चेक साइन हो रहे हैं उनकी वजह से। साइन ये कर रही हैं, करवा हो रही हैं। आपके साथ छल हो रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया है, मैं और दीदी साथ में जाते हैं। सर कमाते किन के लिए? कपिल, लर्न समथिंग। बस बस बैठिए बैठिए, धन्यवाद आपका। दुलकर, आप मैरिड हैं, जैसे आपने बताया कि पहली फिल्म जब आई आप उसी समय आपकी शादी हुई जी। ऐसे मतलब पहले शादी करके फिल्म क्यों की आपने? वाइफ ने मना किया था कि नहीं पहले शादी करो? उनको ऐसा शक था कि उस टाइम पे कोई प्लान भी नहीं था मेरा। अच्छा। उस समय मैंने उसे बोला था कि मुझे यही इच्छा है कि मैं एक फिल्म में एक्ट करूं और एटलीस्ट एक फिल्म में डायरेक्ट करूं सम टाइम। ओके। तो उसने बोला हां ठीक है, एक ही तो फिल्म है, सो इट्स फाइन। उन्होंने बाद में कहा ना कि आप तो अभी बैक टू बैक कर रहे हैं काम। हाँ, अभी तो मैं हमेशा घर पे नहीं हूँ, मैं फुल टाइम शूट कर रहा हूँ। बट बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत मेरा बहुत सपोर्टिव है तो अभी। बट मेरा बेबी है घर पे। अच्छा। तो अब थोड़ा मुश्किल है काम पे जाना है। That's so sweet, guys.
कपिल सीख रहा है, सीख इनसे क्या कैसे? नहीं, मेरे को ये जानना है, जैसे बेबी होने के बाद वाइफ शक करना छोड़ देती है? अच्छा, मैंने सोनम के बारे में सुना है कि ये ना बचपन में एक इन्होंने पोएम लिखी थी, उसका नाम था एम्बिशन, और ये चाहती थी कि जिससे इनकी शादी हो ये पोएम उनको पढ़ाएं, ताकि उनको पता चले कि लाइफ में ये किस तरीके से जीना चाहती, रहना चाहती हैं। ये सच है सोनम जी? किसने रिसर्च किया ये? We have very big team of one person. जी, ये सही बात है। पढ़ाई फिर आपने आहूजा साहब को? थोड़ी। अच्छा, आपने क्या लिखा था पोएम में? जब मैं 15 या 16 साल की थी और मैं बोर्डिंग स्कूल में थी, तब मुझे पता नहीं था कि जिंदगी में मुझे क्या करना है, तो तब मैंने एक मैंने कहा कि मैं चलो पोइट्री लिखती हूँ, और तब मुझे सोचा है कि ये मेरी एम्बिशन क्या है लाइफ में, मुझे क्या लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, तो वो लिखा था मैंने पोएम। देखा, इंटेलेक्चुअल बच्चे पढ़े लिखे 16 साल की उम्र में इतना सोचते हैं, हमें 30 तक आखिरी पता चला जाना किधर, ऑडिशन किधर देना है। अर्चना जी ने तो करियर ही 50 से शुरू किया था। अर्चना जी ने भी पोएम लिखी थी एक परमीत के लिए, पता है मेरे को याद है, धुंधली सी, ए परमीत हाँ, शाम तक अगर 1 लाख का इंतजाम ना हो गर्दन मरोड़ दूंगी। इनको मैंने बताया, मैंने कहा ये पोएम नहीं है, धमकी होती है। मैंने ऐसा सुना है अर्चना जी कि सोनम ऐसा फील करती हैं कि जब ये कॉमेडी फिल्म करती हैं तो इनको लगता है ये अपना बेस्ट देती हैं। जी बिल्कुल। तो आप हमारे शो पे कब आ रही हैं? हम ना थक गए नकली लड़कियों को देख देख के। हमारे शो पे एक ही असली लड़की है, अर्चना जी आपको पता ही है, भूरी। आपको पता मेरी शादी में ना मेरे दिल्ली वाले ताऊ जी लेट हो गए थोड़ा, तो ये मूछ लगा के खड़ी हो गई वहां पे, कहती मैं लड़के का ताऊ। आप मिलनी करानी थी ना, मैंने पैसे ले रहे थे। मुझे 2 कंबल और 101 रुपए। हाय सोनम, वेलकम बैक। हाय दिलकर, मायसेल्फ भूरी। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल। वो सब ठीक है, तू क्यों मोगली की मंगेतर बन के घूम रही है? अब खुद की नजर बगीरा जैसी हो तो बाकी सब मोगली लगेंगे। हाय हाय। By the way, this is my Cannes festival look. Oh, okay. Cannes festival look. अभी थोड़ी देर बाद ये जुहू बीच पे जाएगी, 10-10 रुपए लेकर लोगों के कानों में से मैल निकालेगी। हाँ, तो कान से मैल ही निकलती है, गरम मसाला नहीं। जी। But anyways, कपू थोड़ा सा तो अपना फैशन सेंस डेवलप कर लो प्लीज। इसका ऐसे ही सुनो, उस दिन बाहर बारिश हो रही थी, कीचड़ में गिर गई, खड़ी हो कहती दिस इज माई वेट लुक। उस दिन किसी का साइकिल चुराती पकड़ी गई, पुलिस ने पकड़ लिया, कहती दिस इज माई स्पोर्ट्स लुक। मैं कहा ऐसे किसकी स्पोर्ट्स लुक होती है सर? हाँ तो तुम मत देखो ना मेरी लुक्स, तुम क्यों देखते हो मेरी लुक्स? मैं तुमको बोला है देखने के लिए, नहीं ना तुम मत देखो। सोनम जी, फेरिस आनंद जी जो वो क्यों नहीं आए? क्या तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ऊर्जा साहब जीजू ऐसी साली हो ना, जीजा सालों को छेड़ना शुरू कर दे। सोनम बस 2 मिनट और, उसके बाद चली जाती है, ऐसे आती है कभी कभी, शो को नजर नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, सोमालिया की तोती लग रही है ये। वैसे कप्पू भूलो मत, इन्हीं 2-2 मिनटों से ना ये शो चलता आ रहा है कितने सालों से। ओके, इतना कपड़ा जो तूने उधर जो वेस्ट किया है ये छुपा लेती, हड्डियां निकली तेरी। क्यों तुम्हें जेलिसी हो रही क्योंकि तुम्हारी हड्डियां नहीं दिख रही? तुमको ना मेरी पॉपुलैरिटी का अंदाजा नहीं है एक्चुअली कप्पू, पता है? अब देखो, साउथ से अब प्रभास ने हिंदी फिल्म की, फिर सुदीप सर ने फिल्म की, अब दिलकर इज हियर। पता है क्यों? क्यों? ताकि तुम्हारे शो में प्रमोशन के चक्कर में भूरी की अदाएं दिख पाए। फैबुलस, क्या कॉन्फिडेंस है आप में, हाँ मानना पड़ेगा। सही बोला सोनम ने, कहाँ से आता है ये कॉन्फिडेंस? लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। तुझे पता तेरी अदाएं, तुझसे अच्छा मैं दास दादा को साड़ी पहना तो ज्यादा सेक्सी लगते हैं। क्या हाल बनाया तूने, तेरा सर पंखे में आ गया था। देखो मेरे इस ग्लैमर लुक को देख के ना लोगों को लगने लगा कि मैं ही सोनम कपूर हूँ। ओह गुड गॉड, सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, अनिल सर देख के मुझे कंफ्यूज हो गए खुद। मुझे तो उन्हें अपनी आईडी दिखानी पड़ी, तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि नहीं मैं तो भूरी ही हूँ। आईडी, यू आर लुकिंग बेटर देन मी सोनम। आई एम लविंग दिस, अमेजिंग। ये जो बातें कर रही है ना, शो शुरू होने से पहले मैंने कहा था ना कि एक लड़की जिसका इलाज कराना है। लंदन में तो होगा ही कोई ना कोई ऐसे लोगों का इलाज करने वाला कि नहीं? हाँ, इंडिया में थोड़ी कमी है।
हो जाएगा तेरे को. पर मैं लग रही हूँ ना आप जैसी. हाँ 100% ग्रीन इज माय फेवरेट कलर. चला गया. अरे मुझे कोई रोको तो सही. मुझे क्या पता कि कहाँ जाना है. मुझे बॉलीवुड ने नहीं रोका, मैं सीधा हॉलीवुड पहुंच गया. बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो, अनिल कपूर को कोई भी नहीं रोक सकता. कपिल दिना दिन धा. सर धा. सलमान दिना दिन धा. सोनम दिना दिन धा. ओके. अर्चना सिद्धू किद्धा. मैं तो बोलता हूँ सिद्धू आए थे तो अर्चना दिना दिन धा. अरे सर कैसे आप. मैं जवान हूँ तू अपना देख ले. मैं तो इतना जवान हूँ कि पिछले हफ्ते मैंने खुद का बेबी शावर रखा था. सलमान पहली बार शो पर आए. जी सर. मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा. जी सर. के सलमान भाई ने ये शो प्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया. आप सोच रहे होंगे मैंने आपकी बात नहीं की, क्योंकि चापलूसी नाम की भी कोई चीज होती है. अंदर से तो कृष्णा ही हूं ना, प्रोड्यूसर की चापलूसी करूंगा. और मैंने लाइफ में एक ही चीज सीखी है. क्या? चापलूसी प्लस टैलेंट इज इक्वल टू स्टारडम. आपको बताया अर्चना जी का भी सेम है. अच्छा? रिक्वेस्ट प्लस हाथ जोड़ना प्लस कुर्सी छीनना इज इक्वल टू इनकम. अर्चना अब तक चना चना रहेगी, कभी तो सिंह नाना बन. हाय अनिल सर. अरे अरे हट. अरे सर आप इसको हट बोल रहे हैं. वो अपने आपको सोनम कपूर बोल रही थी. सोनम कपूर. हाँ. अबे तो कपूर नहीं तो खजूर है. खजूर. कपूर की जो डब्बी होती है ना वो भी तुझसे ज्यादा बड़ी होती है, समझी. अच्छा ना मैं लग रही हूँ ना. उनको क्या बोल रही है, वो खुद लोटिया पठान लग रही है उधर भाई. समझी गोंडिया. गोंडिया. देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ. तू लिहाज नहीं अपना इलाज कर. तू रोज सुबह उठ और सोने से पहले दो बार ऐसा करेगी तो ठीक हो जाएगी, समझी. झापड़ी की. ये झापड़ी क्या होता है? आ, तू कौन सा बांद्रा के बंगले से आई है, झापरपट्टी की कटरीना कैफ. एक सेकंड. मैं जो भी हूँ आपसे मतलब, और अगर लोगों को लगे तो मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो कॉम्प्लीमेंट है ना. इससे पहले चील तुझे मार दे तू घर जाके चील मार. हाँ मखा मेरी बेटी से कंपैरिजन कर रही है. कहाँ ये जोया फैक्टर और तू गांव का ट्रैक्टर. सुनम पता है क्या, ये दोनों लड़के ना जेलस है मुझसे और कुछ नहीं. ये दोनों आज सटे आ गए कंप्लीटली. पता है सोनम जी, हमारे ना कुछ मिलती जुलती शौकिया है. जैसे आपको पर्स कलेक्शन का शौक है. हाँ जी. मुझे भी बहुत ज्यादा. आई लव पर्सेस. शकल देखो इसका. लव पर्सेस. वो तो पर्स जैसा मुंह है तेरा. लव पर्सेस. कहाँ सोनम ढाई ढाई लाख के पर्स खरीदती है. हा? और ये मलाड स्टेशन पे ढाई ढाई सौ रुपए के लिए लोगों के पर्स चुराती है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. अगर आपको यकीन नहीं आता तो आइए देखिए हमारे कॉलेज में रैंप शो होता है, वहाँ मैं शो स्टॉपर बनती हूँ. हाँ शो स्टॉपर तो ये है वो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब भी शो में इसकी एंट्री होती है ना सोनी साहब कहते हैं शो को यहीं स्टॉप कर दो. शो स्टॉपर तो है. वेरी मीन. वेरी मीन. या या आई लाइक मीन पीपल. हमें मजा आ रहा है.
इंडस्ट्री में नाम कमाया है और यहाँ पे इंडस्ट्री में भांजा भांजा करके कमा रहा है, सबको पता है। पर्सनल पर्सनल हो गई, पर्सनल पर्सनल हूँ मैं भांजा, तेरे मामा को इतना दर्द क्यों हो रहा है? वन टू का फोर, फोर टू का वन, फाइव टू एट सिक्स, ये मेरा मोबाइल नंबर है, उखाड़ ले, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। कबो कुछ बोलो, मेरी साइड लो। सेम टू यू। ओके कपू, ये आज का नया लौंडा अभी अभी आया है, छह साल पुरानी पार्टनर मैं हूँ, मेरी साइड लो। सुनो, बोलो। राइट देन लेफ्ट अगेन राइट। ये क्या है? तुम्हारी एग्जिट है इधर। चलो। तुम सब ना मेरी खूबसूरती से जलते हो, आई जस्ट नो इट। सोनम दुलकर, मैं ना आपसे ना बाहर मिलूंगी अलग से, ये दोनों ना तुम दोनों को मैं बाद में देखूंगी। आई हेट यू। सुनो, ओके नकली अनिल सर आप भी जाइए। एक मिनट, मुझे बेटी से बात करनी है। सोनम, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग बिफोर गोइंग। इधर एक सपना ब्यूटी पार्लर है जी, देख सकती हूँ। वो सपना नाम की लड़की कमाल कर रही है। उसके पास मसाज जरूर करवाना। अच्छा? उसके पास अलग अलग टाइप का मसाज है, जैसे वन टू का फोर, फोर टू का वन मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या वन आता है, हाँ। पहले टू का मसाज करता है। अच्छा। फिर टू फोर का मसाज करता है। फिर वो फोर टू का मसाज करता है। अच्छा। और वो टू वन का मसाज करता है। फोर टू का वन, वन टू का फोर, फोर टू का वन। हमारा दूसरा मसाज है प्रेम रतन धन पायो मसाज। ओके। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, हाँ। फिर प्रेम और रतन आके मसाज करते हैं। और मसाज के बाद वो धन पाते हैं।